नमस्कार तर्कश में आपका स्वागत है मैं हूँ श्याम सुंदर और मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं पश्चिम बंगाल वाम मोर्चा के नेता विमान बोस जो सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो सदस्य भी हैं विमान जी बहुत बहुत स्वागत है आपका तर्कश में विमानदा आप पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में आए हैं सीपीएम की और चर्चा ये हो रही है कि आपकी पार्टी की जो कांग्रेस होने वाली है उसमें एक नया आइडियोलॉजिकल आड, रेजोल्यूशन आने वाला है क्या ज़रूरत पड़ी इस वक्त पे कि आप लोग आइडियोलॉजी पे विचार कर रहे हैं जो हमारा आइडियोलॉजी को जो फैसला हो चुका था 1992 में उसका बाद बहुत समय चला गया अभी 2011 है दुनिया में थोड़ा परिस्थिति का परिवर्तन हो चुका और आने वाले दिन में और भी थोड़ा चेंज होगा ये सब बात सोचते हुए हमारा आइडियोलॉजिकल जो रेजोल्यूशन था उसको अपडेट करने का अभी बहुत ज़रूरत है इसीलिए हमने समय का साथ उसको अपडेट करने का फैसला कर चुका आइंदा पार्टी कांग्रेस में ये होने वाले है जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात है कि इंटरनेशनल सिचुएशन बदली है लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की हार भी एक वजह है देखिए यह पश्चिम बंगाल का साथ और चुनाव का साथ जुड़ा हुआ नहीं है क्यों जब हम 92 में इसको अपडेट किया पुराना जो हमारा आइडियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट था जो रेजोल्यूशन था ये किया 1991 में जो सोवियत यूनियन में जो सेटबैक हुआ था जो डिबैकल हुआ था वो उस समय का जरिया हमारा ज़रूरत था अपडेट करने का क्यों जब जो हमारा आइडियोलॉजिकल पोजीशन था जो रेजोल्यूशन था उसमें सबसे बड़े हिस्से पर सोवियत यूनियन और सोशलिज्म इन सोवियत यूनियन वे था सेंट्रल पॉइंट में अभी जब उसका आ, बदल हुआ था उसका बाद जरूरत हुआ था तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने पर हमको देखना पड़ता है क्या हम लोग को स्ट्रैटी और टैक्टिस लेना है आइडियोलॉजी का बारे में ये सोचते हुए हमने इसको अपडेट करने का फ़ैसला किया इसका साथ कोई स्टेट का चुनाव का संबंध नहीं है चलिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते आप आइडियोलॉजी को एक बार फिर से देख रहे हैं कि नई परिस्थितियों में किस तरह से उसको देखा जाए किस तरह से लागू किया जाए क्या अपडेट किया जाए लेकिन अगर भारत की बात करें राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो 2014 के चुनाव की तैयारी में लगभग हर राजनीतिक पार्टी नज़र आती है चाहे वो एन डी ए में जुड़ी हुई पार्टियाँ हो चाहे यू पी ए से जुड़ी हुई पार्टियाँ हों कांग्रेस हो हर कदम हर पार्टी का दो हज़ार चौदह के जो चुनाव आने हैं लोकसभा के उस तरफ उठ रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की हार के बाद और केरल में भी आप सरकार नहीं बना पाए उसके बाद वामपंथी पार्टियाँ बहुत हताश हैं वो बहुत एक तरह से डिप्रेशन में नज़र आती हैं ऐसा क्यों ये देखिए जो डिप्रेशन हुआ था पहले पहले ये चुनाव का चुनौतियाँ निकालने का बाद वे अभी उतना नहीं है इसका कारण भी है बंगाल में जो कारण है चौंतीस साल बंगाल में बाम मोर्चे सरकार थे और ये चौंतीस साल में नया नया बहुत नौजवान पार्टी में भर्ती हुआ है हमारा एक हिसाब से देखा देखा ही जाता है पोस्ट सेवेंटी सेवन जो हमारा पार्टी में आया इनका संख्या सबसे ज़्यादा ये लगभग नाइन्टी परसेंट से ज़्यादा होगा क्यों बहुत पुराना साल, पुराना लोगों ने चला गया ध्यान हुआ और नया नया नौजवान आया हमारा जब माम मोर्चा सरकार बनी बंगाल में ट्वेंटी एट थाउजेंड हमारा मेंबर था, था। मेंबरशिप था ट्वेंटी एट थाउजेंड और अभी लगभग हमारा तीन लाख से ज़्यादा पार्टी सदस्य है और इनको कोई पुराना परिस्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है जब वामपंथिया विरोधी थे और सी पी आई एम भी विरोधी थे उसी टाइम का जो कांग्रेस सरकार थे उसका साथ हम लोग को जो टिकाना पड़ा और जो आम आदमी का बात लेकर संघर्ष करना पड़ा वे कोई संपर्क नया जो आया इन लोग का नहीं है, इन लोग का कोई दोस्त नहीं है क्यों जन्म लिया बाद में तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी लगातार सत्ता में रही और जो नई पीढ़ी है उसको संघर्ष क्या है उसका आइडिया नहीं है संघर्ष से पैदा नहीं हुई है वो जो विरोधी रहते हुए जो संघर्ष विपक्ष की राजनीति विपक्ष की राजनीति का संघर्ष का कोई उनका संबंध नहीं है अनुभव नहीं है अनुभव नहीं है कोई उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए शुरुआत में उन लोग का बीच में जैसा पैदा हुई था व्हाट टू डू एट ए लॉस जा जिसको कहा जाता है वे अभी वैसा परिस्थिति नहीं है हम लोग ये गया चार महीना में आम आदमी को इकट्ठा किया और प्रचार जो होता है सरकार का हमारा केंद्रीय सरकार का और स्टेट में जो चल रहा जो आतंक का फायदा करते हैं जो संघर्ष करते हैं और टेरिस्टिक एक जो कायदा नया कायदा लिया है इसका खिलाफ़ में हम लोग बहुत बहुत सारे सभा किया और जुलूस निकाल लिया ये सब करते हुए अभी उतना नहीं है अभी भाग लेते हैं कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आप अपने काडर को और साथ साथ आम लोगों को जोड़ के फिर से आप विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं आप लोगों की राजनीति कर रहे हैं और सड़क पे आप उतर रहे हैं नौजवान पीढ़ी की तो विमानदार समझ में आती है बात कि उनको अभी विपक्ष की राजनीति का उतना अनुभव नहीं है उनका दोष नहीं है वो उस वक्त में पार्टी में आए जब सत्ता में थी पार्टी लेकिन बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री रहे वाम मोर्चा की सरकार के गृह मंत्री रहे बड़े लंबे समय तक और आपकी बात करूं या बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात करूं जो सबसे सीनियर लोग हैं वाम मोर्चा के आज की तारीख में किसी भी पार्टी की अगर मैं बात करूं आप सबसे सीजन लोग हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव हारने के बाद से एक तरह से नज़र ही नहीं आ रहे राजनीतिक गतिविधियों में वो पार्टी की ना सेंट्रल कमेटी मीटिंग में आते हैं ना पॉलिट ब्यूरो में आते हैं आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह के सीनियर लोग इस तरह के संदेश देंगे तो उससे पार्टी का भला नहीं होगा अब ये समझना पड़ेगा बुद्धदेव भट्टाचार्य चुनाव का पहले उसका तबीयत बहुत ख़राब हुआ था लेकिन बहुत ख़राब तबियत लेते तबीयत लेके चुनाव में प्रचार में भाग लिया कभी कभी वो ऐसा सोचा जो गिर जाएगा उसका सी ओ पी डी हाई लांग का हाल अच्छा नहीं है अभी दवाई चलता है दवाई चलते हुए थोड़ा आ, थोड़ा आ, कहा जा, कहा जाएंगे थोड़ा अच्छा है लेकिन अभी अभी तक उनका ट्रेन जानी और प्लेन जानी में तकलीफ होने वाले हैं इसीलिए बुद्धदेव बुद्ध या अचानक कोई जागा मत जागा पे चला नहीं गया वो कलकत्ता और कलकत्ता का बाहरी मुर्शिदाबाद में सभा किया वो छब्बीस परगना उत्तरी छब्बीस परगना में सभा किया और हुगली में सभा किया और दक्षिण चब्बीस परगना में सभा किया सा, नदिया में सभा किया ये सभा में तो भाग लेते हैं खुला जलसा में भाग लेते हैं और पार्टी का जो अंतर कार्यक्रम है उसमें भी भाग लेते हैं ऐसा नहीं है जो बुद्धदेव भट्टाचार्या भाग गया विमानदा विमानदा बीमानदा आपके बारे में सब जानते हैं कि आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं कोई बात छुपाते नहीं हैं कई बार अगर पार्टी थोड़ी बहुत नाराज भी हो और आपका वो कहीं मैं कहूं कि वो स्तर भी है कि आप उस लेवल पे बात कर सकते हैं क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य सी के केंद्रीय नेतृत्व से नाराज हैं नहीं ये बात सही नहीं आए ये मीडिया मीडिया में थोड़ा चर्चा हो रहा ही लेकिन बुद्ध भट्टाचार्य का तबीयत जब तक तब अच्छा नहीं होगा ऐसा चलेगा जब अच्छा होगा देखा ही जाएगा जो सारे काम में भाग लेते हैं सेंट्रल कमेटी मीटिंग में भाग लेते हैं पॉलिट ब्यूरो मीटिंग में भाग लेते हैं विमान बोस से ये बातचीत हम जारी रखेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस से पीमां अभी चुनाव की बात की हमने कि आप फिर से संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कहिए कि पड़ाव होता है किसी भी पार्टी के लिए डेमोक्रेसी में और आपकी तो चौंतीस साल तक सरकार थी पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका था लेफ्ट पार्टीज़ के लिए आपने उसका आकलन भी किया विश्लेषण भी किया लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि अभी भी जो तथ्य है उस हार की जो खास वजह है उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है कि मुसलमान दलित और पिछड़े जो थे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी उनसे दूर हो गई देखिए ऐसा विचार हम लोग नहीं किया तो हम लोग ऐसा जो विचार किया जो गरीब लोगों से हमारा संपर्क थोड़ा अलग हो गया इसको और ज़्यादा का, कार्यक्रम लेते हुए हम लोग को जो गरीबून हैं उनका साथ संपर्क संबंध और ज़्यादा करना चाहिए तो हमने ये कार्यक्रम लिया है और साथ साथ हमारा जो पार्टी का पार्टी कांग्रेस का साथ पार्टी कांग्रेस होने वाला है Uh, 2012 में अप्रैल महीना में होगा उसका साथ जोड़ा हुआ है हर जगह पर पार्टी सम्मेलन पार्टी का जो सम्मेलन होगा देखिए जो लोकल सम्मेलन जो जोनल सम्मेलन और जो डिस्ट्रिक्ट सम्मेलन उसका बाद जो प्रांतीय सम्मेलन राज्य सम्मेलन होगा इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा कर रहा अभी भी चर्चा कर रहा जो हमारा शहर में रहने वाले गरीबों और गांव में रहने वाले गरीब आदमी का साथ और ज़्यादा संपर्क तैयार करना चाहे और इसीलिए हमने रीओरिएंटेशन का जो कार्यक्रम लिया है पार्टी संगठन का बारे में रीओरिएंटेशन हमने कर रहा इससे हमको फ़ायदा मिलेगा और हम पुराना ज़माना में जैसा काम किया था जब हम लोग विरोधी थे वैसा हम लोग को नया जो विरोधी बनी है इसमें थोड़ा रिस्पॉन्सबल विरोधी का जो जो विरोधी का रोल प्ले करने के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए और ऊपर में तैयार हो गया लेकिन नीचे तक जाना पड़ेगा वो करने में देखा ही जाएगा आइंदा दिन में आम आदमी का जो डिमांड है वो सब डिमांड लेकर देखिए महंगाई का हल कैसा है हर चीज़ों का महंगाई हर चीज़ महंगाई हो गया इतना ही हो गया जो बोलने का कुछ नहीं आए अनाज का हाल बहुत ख़राब है और जो जो चीज़ हुआ है सब में सब चीज़ महंगाई हो गया इसके खिलाफ़ में हम लोग को कर लड़ाई करना पड़ेगा और हमने सम्मेलन का साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा कार्यक्रम लिया है बाम मोर्चे के बाम मोर्चे से हमने फैसला कर चुका ग्यारह नवंबर से हमारा 25 नवंबर तक तमाम बंगाल में गांव में और शहर में प्रचार होगा और भ्रष्टाचार का खिलाफ़ महंगाई का खिलाफ और बंगाल में जो जम्बूरियत को ख़त्म करने के लिए जो आम आदमी का जो राइट्स है डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको छीन लेने के लिए जो जो कारवाया हो रहा जो जो प्रांत में प्रांत का जो जो ज़िले में हो रहा इसको खिला इसका खिलाफ़ में हमने प्रचार लगातार प्रचार हम जारी रखेंगे और 29 नवंबर बंगाल में बाम मोर्चे के हर नेता लोग रहेंगे उसका साथ हमने सिविल डिजोबीडियंस करेंगे तो ये बड़े जो प्रोग्राम कार्यक्रम लिया है जो विरोधी जब रहते हैं उसको जो काम करना पड़ेगा वे काम करने के लिए हमने अभी से शुरुआत कर रहा विपक्षी पार्टी के तौर पे आपकी भूमिका पर और भी कई सवाल हैं मेरे मन में वो मैं आपसे करूँगा लेकिन आपकी पार्टी की अभी मैं बात करना चाहूँगा एक दो सवाल और उस पर करना चाहूँगा कि क्या कुछ जो विश्लेषक हैं वो ये कहते हैं कि जहाँ तक वाम मोर्चा के नेताओं का सवाल है उनकी छवि बहुत ईमानदार नेता की है किसी पर कोई उंगली नहीं उठाई जाती है किसी पर कोई किसी तरह का कोई दाग नहीं है बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि के हैं आप हों चाहे बुद्धदेव भट्टाचार्य हों और आपके नेता जो भी हों केंद्रीय नेतृत्व जो भी हो लेकिन पिछले कुछ सालों में पिछले 10-12 सालों में ऐसा हुआ जब से ख़ासतौर पे बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री बने कि आप भद्रलोक की पार्टी बनकर रह गए शहरी मध्यम वर्ग जो है वो आपके ज़्यादा करीब आया और आप आम आदमी से कट गए और अभी भी आप रियलाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है कि जो मुस्लिम हैं वहाँ का बंगाल का दलित बैकवर्ड जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा ममता बनर्जी जिनकी एक रीजनल पार्टी है बहुत कोई सॉलिड आइडियोलॉजी नहीं है उन्होंने जीत लिया उनका मन आपकी आप जैसी ऑर्गेनाइज पार्टी के ख़िलाफ़ देखिए पहले ये जो अपने बयान दिया ये सही नहीं है मुसलमान लोगों का बीच में हमारा कोई संपर्क नहीं है ये ऐसा नहीं आए गरीब आदमी जो हो वो दलित हो वो मुसलमान हो वो आदिवासी हो उसमें थोड़ा घाटा हुआ है ये हमने फैसला कर चुका तो इसको जोड़ने के लिए हमने कार्यक्रम लिया है ये तो हम बता सकता और साथ साथ हम ये समझ पाते हैं जो हमारा रिस्पॉन्सिबल विरोधी जो आ, रोल प्ले करने के लिए जो जो काम करना है अभी तक हम ये बोल सकेंगे अभी तक हम हम लोग कर चुका देखिए बंगाल का डेवलपमेंट का बारे हमारा जो फैसला वो ये हमने बंगाल का जो हमारा विधानसभा का जो विरोधी नेता है सूर्यकांत मिश्रा उनको नेतृत्व में हर विधायक एकजुट होकर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पास मेमोरेंडम साबित किया तो हमारा रिस्पॉन्सिबल विरोधी जो भूमिका पालन करने का जो वादा हमने किया पहले पहले, पहले बता दिया वे रक्षा करने के लिए हमने बहुत हमदर्द से काम करने के लिए कोशिश कर रहा आप विपक्षी पार्टी के तौर पर किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं इस पर आपसे बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बोस से विमानदा आप कह रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की भूमिका पश्चिम बंगाल में निभाना चाहते हैं अपनी पार्टी को संगठित करने के साथ साथ माओवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर पश्चिम बंगाल में उभर रहा है आप की सरकार भी चाहती थी कि माओवाद से पॉलिटिकली निपटने के साथ साथ जिस तरह से माओवादियों का जो रवैया है उससे सख्ती से भी निपटने की ज़रूरत है जॉइंट ऑपरेशन आपके ज़माने में भी चल रहे थे ममता बनर्जी भी उसी तरफ लौटने की कोशिश कर रही हैं आप जब वो लौट रही हैं तो आप उनकी आलोचना कर रहे हैं माँ उच्च ने माओवादी जो मुद्दे आए उस पर चर्चा किया और चर्चा कर, करते हुए ये तो हम बहुत टाइम बताया जो ये है पॉलिटिकल प्रॉब्लम पॉलिटिकल प्रॉब्लम उसको पॉलिटिकली डील करना पड़ता है तो हम लोग कोशिश किया जब सरकार थे बाम मोर्चे ने कोशिश किया लेकिन अभी बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता जी ने जैसा बात उठाते हैं इसमें हम लोग थोड़ा टिप्पणी किया है क्यों टिप्पणी किया है जब चुनाव का प्रचार चल रहा और उसी से आगे कई महीना से कई बरस से दो साल से दफे दफे हमने ये बात सुना है जंगल महल में माओ फाव कुछ नहीं है वे हाय सी पी एम हारमद ये हमने सुना अभी चुनाव का बाद ही माओ माओस को उन उन्होंने माउस को मिला कैसा करके ये तो हो नहीं पाता है माउस तो आसमान से नहीं उतार के आया माउस तो उधर थे तो ये जो चीफ मिनिस्टर बनी हैं जिन्होंने चीफ मिनिस्टर बनी हैं और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुआ है हमने टिप्पणी करके ये बात बोला जो पुराना बात वह सही था और गलत था ये तो बोलना पड़ेगा आम आदमी के बीच में अभी जो फैसला करने के लिए कोशिश कर इसमें कोई टिप्पणी नहीं करते फैसला होगा तो अच्छा ही होगा इसमें कोई दो बात नहीं हो पाता है तो आप इस बात से सहमत हैं कि माओवादियों से निपटने के लिए और केंद्रीय बलों की ज़रूरत है वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेज की ये तो अभी सरकार ने बता सके सरकार को उसको असेसमेंट करना पड़ेगा कहाँ कहाँ कैसा है और उन लोग जो आम सरेंडर करते हुए जो बात आया हम सरेंडर करते हुए पीस टॉक करेंगे पीस टॉक होगा तो अच्छा होगा हम तो उसको विरोध नहीं करते हैं जो इनिशिएटिव चल रहा इसका विरोध हमने नहीं किया हमने विरोध किया पुराना ज़माने में माओ फाव नहीं था अचानक माओ माओ मिल गया कैसा करके हुआ ये तो हो नहीं पाता है इसको बात इसको हम उठाते हैं बिल्कुल सही बात है आपकी कि आप तैयार हैं कि माओवादियों से बातचीत अगर हो सकती है तो आप उसका विरोध नहीं, नहीं करेंगे नहीं जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका आप निभाएंगे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप पश्चिम बंगाल के विकास की बात करना चाहते हैं आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना है मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कि आप तो खजाने खाली छोड़ के गए हैं स्टेट कर्ज में डूबा हुआ है कैसे वो विकास करें देखिए ये बात भी सही नहीं है। जब सरकार में आई उसी टाइम हमने सुना जे जो सरकारी कर्मचारी है जो टीचर है हम लोग को उधर टीचर को तो भी तनखा सरकार से देते हैं जो अलग अलग जो कर्मचारी है इनको कोई तनखा नहीं मिलेगा खजाना में एकदम कुछ नहीं है लेकिन हम ये जानते हैं जो जून महीना का जुलाई महीना का अगस्त महीना का तीन महीना का एकदम तंका तैयार हुआ था तीन महीना का और बाकी जो रेवेन्यू कलेक्शन का साथ जुड़ा हुआ वो कलेक्शन करते हुए देखना पड़ेगा ये पुराना सरकार ने किया और हमने देखा एक तो एक बात हुआ है खजाना एकदम कुछ नहीं है और साथ साथ चीफ मिनिस्टर ममता जी ने ये बात बोली जो महीना का पहला दिन में तनखा मिलेगा तो कैसा करके बताइए वो देखा जो रेवेन्यू जो कलेक्शन करते हुए सिस्टम जो, बना हुआ जो सिस्टम बना हुआ है उसको देखते हुए बोला आ, एक तारीख में तनख्वाह मिलेगा पहला पहला तनख्वाह मिल जाएगा तो ये कभी एक बात नहीं करते दो बात कहा जाते आम आदमी को बीच में एक फलाना आइडिया तैयार करने के लिए वो एक महल तैयार करने चाहते हैं ये बात सही है जो सरकार को चलने के लिए रेवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा जो बाम मोर्चे सरकार भी बढ़ाने के लिए कोशिश हर टाइम किया और बढ़ाया भी और जो बंगाल का जो पैकेज था बंगाल को जो केंद्रीय सरकार का दे रुपया देने का बात था वे देने से और कोल का जो रॉयल्टी का रुपया वो भी देने का बात था ये कम नहीं है बहुत रुपया है वो देने से अभी सरकार का खजाना का हल खराब नहीं होगा ये देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और इसीलिए हमने जो मेमोरेंडम दिया जो विरोधी का ओर से जो मेमोरेंडम हमने सबमिट किया प्रधानमंत्री के पास इसमें सब लिखा हुआ था और सारे बंगाल का आगे बढ़ाने के लिए उसको विकास के लिए हमारा बात था तो आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री को इस बात के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि केंद्र सरकार से राज्य के लिए एक पैकेज हासिल किया जाए जो रॉयल्टी की बात कर रहे हैं आप कोल की उसमें आप मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे जरूर क्यों हमने कभी जो लेजिटिमेट डिमांड है बंगाल का उसका विरोध में एक बात नहीं उठाएंगे जैसा ममता जी जब विरोधी थे कोई ऑल पार्टी मीटिंग में कभी, कभी आया नहीं कभी आई नहीं और साथ साथ विरोध किया और केंद्रीय सरकार का मंत्री का साथ बातचीत करते हुए हमारा जब बार हुआ था हमारा जो आयला हुआ था आयला का रुपया नहीं देने के लिए बोला बार का रुपया नहीं देने के बोला हमारा विरोधी मतलब ये नहीं आए हाँ हर किसी में हम विरोध करेंगे बंगाल का विकास का मारे में बंगाल का जो समस्या है उसको हल करने में हम जरूर सरकार का साथ एकजुट होके बात बोलेंगे केंद्रीय सरकार का पास विमानदार हम इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंत की तरफ पहुंच रहे हैं आपसे एक सवाल पश्चिम बंगाल से अलग पूछना चाहूँगा कि भारत में अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं एक नए राजनीतिक माहौल बनने की बात हो रही है वामपंथी पार्टियों का किस तरह का रोल देखते हैं आप किस तरह का रोल होगा क्या फिर से कोई तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश वाम मोर्चे की तरफ से होगी कितना महत्वपूर्ण होगा वाम मोर्चा इस पूरे परिदृश्य में या वाम मोर्चा इरेलीवेंट बनकर रह जाएगा बाम मोर्चे को इकट्ठा करते हुए हमारा जरूर चलना पड़ेगा जो कांग्रेस विरोधी है जो भाजपा विरोधी है भाजपा और कांग्रेस विरोधी पार्टियों के साथ हम लोग को बातचीत करते हुए वो थर्ड एक मोर्चा तैयार करने के लिए हम लोग का कोशिश जारी रहेगा ये हम लोग भारत की जो अभी महल तैयार हुआ है राजनीति का तौर पर उसको संभालने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आम आदमी को जो सवाल है उसको उठाने के लिए हमारा वो थर्ड फ्रंट का थर्ड फ्रंट सोचना पड़ेगा और बाम मोर्चे को इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करना अभी भी आप तीसरे मोर्चे की, की एक संभावना देखते हैं अभी देखिए है, तीसरा मोर्चा पुराना जमाना में जैसा हुआ वैसा नहीं हो सकता है लेकिन नया तीसरा मोर्चा का एक आ, आ, को, नया तीसरा मोर्चा तैयार करने का कोशिश तो जारी रहेगा मुझे पता है आपके पास बहुत कम समय बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि यू पी वन में कांग्रेस से समर्थन लिया वामपंथी पार्टियों ने और उसको कई वामपंथी पार्टी के नेता जो हैं वो एक तरह से मिस्टेक भी मानते हैं कि वो समय शायद गलत था उस वक्त नहीं लेना चाहिए था कांग्रेस से समर्थन वापस अगर सांप्रदायिक शक्तियों का ख़तरा दिखा तो क्या वामपंथी पार्टियां किसी सूरत में कांग्रेस को फिर समर्थन दे सकती हैं अभी देखिए है, ये तो हम लोग चर्चा नहीं किया जो भारत की राजनीति देखते हुए और कैसा इनको दिशा हो रहा सोचना पड़ेगा अभी हम लोग फैसला नहीं कर चुका विमानदा आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे वाम मोर्चा के नेता विमान बोस तर्कश में बेबाक अगले तर्कश में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए नमस्कार